हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों आज का टॉपिक बिल्कुल हट के है, क्योंकि मैं आज मेडिसिन की जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मैं आज अपना खेत आया हूँ और देख सकते हैं कि बारिश नहीं होने के कारण पूरा खेत सूखा पड़ा है। देख सकते हैं मेरा बच्चा आया है साथ में, बहुत परेशानी कर रहा है। कहाँ वो ये बोल रही है कि पूरा हमको उधर घूमना है, ले चलिए। किधर जाना बेटा? उधर। हाय करो तो। हाय। देखिए पूरा खेत जो है ना सूखा पड़ा है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग का खेत वहाँ पे बारिश हुई है कि नहीं हुई है, कैसा है। हम लोग का तो यहाँ पर बहुत ख़राब स्थिति है। आजकल तो कोई खेती करना ही नहीं चाहता है। वो साझे में होता है ना कि 3 बटिया या फिर 4 बटिया दे देते हैं खेत को, बस वैसे ही कर देते हैं, कोई खेती करना ही नहीं चाहता। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, इस बार खेती खुद से करना है। जब कर रहे हैं तो यही स्थिति है कि बारिश बिल्कुल ही नहीं हो रही। रुको ना बेटा, आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बीहन धान है अभी का, थोड़ा सा निकाला गया है। एक खेत में थोड़ा पानी था तो वहाँ पे रोपे हैं, और बाकी देखिए बीहन तो काफ़ी सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये खेत बिल्कुल ड्राई पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा सूखा, इसलिए क्योंकि बारिश हुई नहीं है। हाँ चलो बेटा, ये जिद कर रही है कि पानी में जाएगी, चलिए। देखिए एक खेत जो वहाँ दिख रहा है वहाँ पे हम लोग रोपे हुए हैं, बाकी इसमें हल्का सा पानी है, अदरवाइज पानी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मौसम भी में भी बिल्कुल बादल ही नहीं, देख सकते हैं, बारिश का नामो निशान नहीं। चलिए तो बस यही बताना था, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग के यहाँ बारिश हुई कि नहीं, खेत रोपे कि नहीं, है ना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। हाय कर दो बेटा, हाय करो। हाय हाय करो। हाय हाय। बाय बाय।